आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अमेरिका में सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और वही सोयाबीन के साथ साथ मक्का और गेहूं की कीमतों में भी तेजी लगातार बरकरार ही है। अमेरिका में सोयाबीन की सप्लाई काफी कम बताई जा रही है और निर्यात की गई है। बात करें अगर अर्जेंटीना और ब्राजील की, तो वहां पर मौसम सोयाबीन के प्रतिकूल है। अर्जेंटीना और ब्राजील में सूखे के हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं वहां मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अभी और सूखा देखने को मिल सकता है, जिसका असर सोयाबीन और मक्के की फसल पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अर्जेंटीना में इस बार बारिश ना के बराबर बताई जा रही है, जिससे सूखे की स्थिति और ज़्यादा पैदा हो सकती है। सूखे की स्थिति से अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों ही जगह सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जानकारों द्वारा जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल ब्राज़ील में लगभग 137.3 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। वहीं जानकारों के अनुसार 2021-22 में ब्राज़ील का सोयाबीन का उत्पादन लगाए गए अनुमान से काफ़ी कम रह सकता है। जानकारों को 2021-22 में ब्राज़ील का सोयाबीन का उत्पादन 144.7 मिलियन टन रहने की उम्मीद थी, लेकिन सूखे के चलते इस बार उत्पादन घटकर लगभग 133.4 मिलियन टन रह सकता है। इसी के चलते सोया खली की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। विदेशों में सोया खली की डिमांड भी बढ़ी है और कीमतें भी। जानकारों के अनुसार सोयाबीन और मक्का उत्पादकों को आने वाले दशक में बायोफ्यूल सेक्टर से डिमांड में तेजी देखने को मिल सकती है। इथेनॉल के उत्पादन में भविष्य में और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का सोयाबीन पर कहना है कि 2021 में सोयाबीन में काफ़ी उठापटक देखने को मिली है, जो कि नीचे में 5000 तक भी जाती नजर आई थी और ऊपर में कीमतें 10000 से भी अधिक गई थी। 2021 में सोयाबीन पर सरकार के काफ़ी फैसले भी देखे गए, जिसका प्रभाव सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ते देखा। 2021 के अंत में सोयाबीन ने NCDEX पर 6200 के करीब की क्लोजिंग दी थी। अमित सजेजा के मुताबिक साल 2022 सोयाबीन के लिए शुरुआत में खराब रह सकता है। उन्हें वायदा में सोयाबीन की कीमतें 4500 से 5000 से ज़्यादा नीचे जाती नहीं दिखाई देती हैं। सोयाबीन की कीमतों के लिए 4500 से 5000 तक का दायरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अमित सजेजा का ये भी मानना है कि सोयाबीन में अगर गिरावट रहेगी तो तेजी भी ज़रूर बनेगी। अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन 2022 की शुरुआत के पहले 6 महीनों में वायदा बाजार में 8000 तक के स्तर दिखा सकती है। और बात करें अगर एक साल के आउटलुक की, तो सोयाबीन साल 2022 में पूरे एक साल में 10000 तक के स्तर दिखा सकती है। विदेशों में सोयाबीन की सप्लाई अगर डिमांड के मुकाबले कम रहती है तो कीमतों में तेजी आएगी और इसका असर भारत में भी सोयाबीन समेत अन्य खाद्य तेल के बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। वर्तमान में किसानों ने सोयाबीन को फिर से स्टॉक करना शुरू कर दिया है और मंडियों में निरंतर सोयाबीन की आवक में गिरावट जारी है। वहीं जानकारों के अनुसार हाजिर में सोयाबीन में आगे तेजी बन सकती है। किसानों ने जो सोयाबीन को स्टॉक करने का फिर से निर्णय लिया है, उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। किसानों को सोयाबीन में काफ़ी सतर्कता बरतनी है और किसी भी अफवाह से दूर रहना है, ऐसा जानकारों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।